नमस्कार मित्रों, आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर मैं अपने मित्र मनोज गुर्जर के साथ हूं आगरा में, और इस समय हम मरियम जमानी के मकबरे पर आपको मरियम जमानी का मकबरा दिखाएंगे। मरियम जमानी आमेर के राजा बहरमल की पुत्री थी, जिसका विवाह मुग़ल सम्राट अकबर से हुआ था। इसी मरियम उजमानी ने सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, को जन्म दिया था। मरियम जमानी का मकबरा लगभग 1623 से 27 ईस्वी। मरियम जमानी आमेर जयपुर के कछवाहा राजा बहरमल की पुत्री थी। 1562 ईस्वी में उसका विवाह अकबर से हुआ। उसने 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, को जन्म दिया। तब अकबर ने उसे मरियम जमानी यानी विश्व पर दया रखने वाली का खिताब दिया। उसकी मृत्यु आगरा में 1623 ईस्वी में हुई और उसके पुत्र जहांगीर ने इस मकबरे का निर्माण 1623 से 1627 के मध्य कराया। वास्तव में मूल रूप से यह एक खुली हुई लोदी काल की बारहदरी थी। मुगलों ने इसे अपनाकर इसमें मकबरा बना दिया। इसके लिए केंद्रीय कक्ष के नीचे एक तहखाना बनाया गया। इमारत की चारों मुखारों को लाल पत्थर के उत्कीर्ण फलकों और छज्जों से दोबारा बनाया गया। चारों कोनों पर दुछतिया बनाई गई और उर्दू रचना को भी छत्रियों और छपर खटों से पुनः बनाया गया। यह मकबरा चतुराश्र है और बाग के बीचों बीच स्थित है। इसकी तल योजना में प्रत्येक तीसरे मेहराब से आर पार हर दिशा में दो दो विस्तीर्ण गलियारे बने हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के इन गलियारों से इस प्रकार संपूर्ण इमारत 9 भागों में बढ़ जाती है। मध्य में एक बड़ा चतुराश्र भाग है। चारों कोनों पर चार छोटे छोटे चतुराश्र भाग हैं और चारों पार्श्वों के मध्य में चार आयताकार भाग हैं। चौड़े मेहराब और गुंबदी छतें प्रशस्त पायों पर टिकाई गई हैं। संरचना ईंट और चूने की है, जिस पर गजकारी की गई है। प्रत्येक मुखार के मध्य में एक आयताकार किनारेदार मेहराब है, जो कुछ आगे बढ़ा हुआ है। इसके प्रत्येक स्कंध में तीन मेहराब और फिर कोने पर दोहरे मेहराब, एक ऊपर एक नीचे बने हैं, जिनमें दुछत्ती बनाई गई है। मेहराब बिंदुदार हैं, स्कंधों के ऊपर छज्जे लगे हैं। इस मकबरे में प्रस्तरयुक्त तीन कब्रें हैं। एक तहखाने में स्थित मूल कब्र पर कब्रगाह में है, दूसरी उसके ऊपर भूमितल पर और तीसरी छत पर। ऊपर की दोनों कब्रें मात्र प्रतीकात्मक हैं। उर्दू रचना में इमारत के चारों कोनों पर चार विशाल अष्टाष्ट छत्रियाँ हैं और चारों दिशाओं के मध्य में चार आयताकार छपर खट हैं। लाल पत्थर की बनी प्रत्येक अष्टाष्ट छत्री चतुराश्र जगती पर भव्य रूप से सुशोभित है। इसके अंदरूनी उतरंगों और बाहरी छज्जों को संभालने के लिए बड़े सुंदर मदलों तोड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक खंभे पर 5 तोड़े और इस प्रकार एक छतरी में 40 तोड़े सजाए गए हैं, जो बड़ी विलक्षण बात है। प्रत्येक छपरकट आयताकार है और उसके 8 खंभों पर भी ऐसे ही मदल लगाए गए हैं। ये छतरियाँ और छपरकट संपूर्ण संरचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकरण है। दृष्टव्य है कि ये छतरियाँ और छपरकट मुखार का भी उतना ही प्रभावशाली अंग है जितना उर्दू रचना का। इनमें एक अत्यंत सुंदर नवरेखा बनती है और इमारत बिना गुंबद के भी भव्य एवं सौम्यपूर्ण है। इस मकबरे का मुगलों के गुंबद विहीन मकबरों में विशिष्ट स्थान है।